हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का 2019 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। स्टूडेंट, समय होगा 3.25 घंटे, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक होगा 70 नंबर का। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो ये है स्टूडेंट प्रथम प्रश्न, जिसके अंतर्गत ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय ये प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में से आपको सही प्रश्न के विकल्प को चुनना होगा। ये पहले प्रश्न पत्र का पहले प्रश्न का ये दिया गया है। क ख ग अंग तक 4 विकल्प सभी में है, सही विकल्प आपको चुनना है। दूसरा प्रश्न है कि नहीं, 3 खंडों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक में 4-4 खंड दिए गए हैं, केवल 3 खंडों के आपको उत्तर देना है। यह है प्रश्न नंबर 3। इसमें भी 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंडों में से आपको किन्हीं 3 खंडों के उत्तर आपको लिखना है। यह है प्रश्न नंबर 4 स्टूडेंट। इसमें भी 4 खंड दिए गए हैं, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर आपको देने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी उसी प्रकार से ये 3 खंड दिए गए हैं, 4 खंड दिए गए हैं, जिसमें से केवल आपको 3 के उत्तर लिखने हैं। आप देख रहे हैं क ख ग, ये ग है और ग के बाद ये घ दिया गया है। 4 दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको देना है। ये है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भी 4 खंड दिए गए हैं, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये हैं क ख और ये है ग, देख रहे हैं आप, ये क ख ग घ, ये प्रश्न नंबर 6 के 4 विकल्प प्रश्न हैं। 4 खंड दिए गए हैं, 4 खंडों में से केवल आपको 3 के उत्तर आपको लिखने हैं। ये स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7। 7 में 3 खंड दिए गए हैं, 3 खंडों में से केवल 2 खंडों के ही उत्तर आपको देने हैं। तो ये हैं भौतिक विज्ञान के प्रश्न नंबर 7 के 3 खंड। क इसके बाद दिया गया है, ख और लास्ट में दिया गया है ये ग। पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया परिपथ चित्र द्वारा समझाना है। ये भौतिक स्थिरांक दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत आपको इनका उपयोग होता है। तो ये है स्टूडेंट भौतिक विज्ञान कक्षा 12 2019 बोर्ड परीक्षा के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि अगला प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। थैंक्स स्टूडेंट।